तो कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे सामने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट तब मत मानना जब उसमें आपकी 100% एक्यूरेसी अचीव हो जाए। भैया मैंने 10 सवाल सही कर लिए। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट तब मानना जब उसमें एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड टाइम अचीव होने लगे। आपके 10 सवाल सही हो गए लेकिन 20 मिनट में हुए, क्योंकि अगर आप उस 10 सवाल को 10 घंटे में सॉल्व कर दे तो कोई फायदा नहीं। यानी कि सवालों को कैसे तेज स्पीड के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग हमें लेनी होगी। और इस पे फिर कमेंट्स आकर भर पड़े, भैया फिर बताओ तो स्पीड कैसे बढ़ाऊं। तो मैं वही बताने तुम्हारे सामने आ गया हूं कि सवालों को सॉल्व करने की स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात कि स्पीड के बारे में आपको तब तक नहीं सोचना जब तक आप एक सफिशियंट एक्यूरेसी तक नहीं आ जाते हो। तुरंत ही जब चैप्टर तुरंत खत्म हुआ और उसी वक्त तुम स्पीड के बारे में सोचने लगोगे ना कि मुझे सारे सवाल तेजी से करने हैं, तो आपका ब्रेन कोई चीज लर्न ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपके सर ने कोई चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद जब आप सवालों को लगाने लगो तो पहले सीखने के मकसद से, मुझे भले ही कितने ही टाइम लग जाए पहले मैं सीखूंगा। जब एक बार आप एक एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी अचीव कर लो कि मैं 10 सवाल लेके बैठता हूं तो उसमें से 8 मेरे हो जाते हैं, तब आपको स्पीड के बारे में सोचना है कि अब मेरे जब 8 होते हैं तो अब मैं कैसे उन 8 सवालों को पहले जो 30 मिनट में होते थे उन्हें मैं 15 मिनट में कर पाऊं। मैं उस कोटेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं कि यू कांट इंप्रूव दैट थिंग विच यू कैनॉट मेजर। तुम जिसको मेजर नहीं कर सकते उसे इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो आप अगर स्पीड को बढ़ाना चाहते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो सबसे पहले आपको अपनी स्पीड मेजर करनी होगी कि किस जगह पे आप लेट होते हो, किस जगह की प्रोसेस आप स्लो करते हो जिससे आपके सवाल होने में टाइम लगती है। तो किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के 3 हिस्से होते हैं। जब आपके सामने कोई सवाल आता है तो आप उस सवाल को 3 हिस्सों में अप्रोच करते हो जिससे कि वो सवाल आपका पूरा सॉल्व हो जाता है। पहला स्टेप होता है क्वेश्चन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, कि आपके सामने एक सवाल आए जो इंग्लिश भाषा या हिंदी भाषा में लिखी हुई है, अब उसको पढ़ करके समझ लेना और समझ करके ये जान पाना कि वो सवाल क्या पूछ रहा है, ये सबसे पहला स्टेप होता है। 50% बच्चे अपने क्वेश्चन सॉल्विंग का मैक्सिमम टाइम इसी स्टेप में लगा देते हैं, और खास करके जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि जेईई एडवांस में सवाल लंबे लंबे होते हैं, वो भी सिंगल कॉन्सेप्ट के नहीं मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के। इलेक्ट्रोस्टैट में एसएचएम मिला रखा है, अब बच्चा ये समझ पाए कि इलेक्ट्रोस्टैट में एसएचएम लगा है इसमें ही उसे बहुत देर हो जाती है, और सॉल्व करे क्या वो तो सवाल पढ़ने में ही टाइम लगा चुका। तो इस चीज को फास्ट करने का तरीका है कि आप उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना करें जिस तरीके से आपको रेडीमेड चीजें दे दी जाए। बहुत जगह पर टीचर क्या करते हैं कि डायरेक्ट फिगर बना दें कि ये बच्चा सर्कल है, इस पे बाइक चल रही है, और इस पे बाहर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, तो बताओ बेंडिंग एंगल क्या होगा। तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ने वाला जो काम है वो टीचर ने कर लिया, क्या पूछ रहा है ये डायरेक्ट टीचर ने बता दिया, इससे आपकी ये वाली स्किल डेवलप नहीं होगी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन करना जिसमें आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हो ताकि आप उसको पढ़ने की आदत डाल पाओ। आप बार बार एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को पढ़ोगे तो किसी खास चैप्टर के कैसे ट्रेंड्स होते हैं क्वेश्चन के, ये आपके दिमाग के सबकॉन्सियस में बैठ जाएगा। फिर आपको कोई सवाल क्या कह रहा है, क्या डेटा दिया हुआ है, ये निकालने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपका ब्रेन एक ऑटो पायलट मोड में चलना चालू होगा। अब पहला स्टेप जब हम क्वेश्चन पढ़ करके समझ लेते हैं तो आती है दूसरे भाग की बारी, दूसरे स्टेप की बारी, कॉन्सेप्ट स्ट्राइकिंग। जब सवाल हमने समझ लिया क्या पूछ रहा है ये जान गए, लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई होगा ये हम नहीं जानते अभी तक, या हम सोच भी पाते हैं कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा तो बहुत टाइम खींच जाता है। भैया वो थंडरस्टॉर्म की तरह जैसे बाकी बच्चों को क्लिक करता है, मुझे क्लिक नहीं करता, मुझे सोचना पड़ता है कि इसमें कूलम्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा, मैं समझ ही नहीं पाता जहां चार्ज देखता हूं। इस स्टेप को बोलते हैं कॉन्सेप्ट स्ट्राइकिंग प्रोसेस। तो आप यहां पे भी समय बचा सकते हो। आपको क्या करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं किसी खास कॉन्सेप्ट पे। आपको क्वेश्चन की लिमिट नहीं लगानी कि मैं इतना कर लूं सफिशिएंट, नहीं, आपके दिमाग में एक आइडियल टाइम होना चाहिए कि अच्छा इतनी तेजी से क्लिक करे तो मैं मानूंगा कि सफिशिएंट हो गया, और जब तक वो तेजी ना आए तब तक उस कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चंस करते रहो। सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको ढेर सारे क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे लगाने हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका ब्रेन इतना ट्रेन हो जाएगा कि उस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते ही क्लिक कर लेगा कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है कैलकुलेशन प्रोसेस। कैलकुलेशन को फास्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है कि आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। शुरुआत में जब आप मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एच सी बाई लैम्डा का जब फॉर्मूला लगाओगे तो आप एच की वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू पुट करोगे, लेकिन समय के साथ जब आप ढेर सारे कैलकुलेशंस करने लगोगे तो आपको एच सी का मल्टीप्लिकेशन का आंसर याद हो जाएगा। आप जब शुरुआत में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद ही नहीं होगा, धीरे धीरे पुट करते करते सबकॉन्शियस में इतनी तेजी से बैठ जाएगा कि आप पूरे तेजी से हाथ चला दोगे और वो बहुत आसानी से आपका समय बचाते हुए आपके हाथों से बहने लगेगा। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये 3 स्टेप्स होते हैं और इन्हीं 3 स्टेप्स में आपको तेजी लानी है। अब भैया कितना तेज हो जाऊं कि मुझे पता पड़ जाए कि अच्छा इतना तेज सफिशिएंट है? देखो जेई मेंस के पेपर में बच्चा 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मिलेंगे। अब जनरली आजकल का जो ट्रेंड है वो ये है कि मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा टाइम लेती है, फिजिक्स उससे कम और केमिस्ट्री सबसे कम। तो आप अभी से एक प्लान लेकर के चलो कि अच्छा मुझे एग्जाम हॉल में 1.5 घंटे मैथमेटिक्स को देने हैं।
तो अब जब 1.5 घंटे मैथमेटिक्स को देने हैं उसमें आपको अगर 25 सवाल पढ़ करके कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करा करके और सॉल्यूशन तक जाना है तो आपको 1 घंटे में कम से कम 35 क्वेश्चंस तक की स्पीड जनरेट कर लेनी होगी अगर एग्जाम वाले प्रेशर में 1 घंटे में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसी तरीके से फिजिक्स में मान लो आपने डिसाइड किया कि भैया मैं 45 मिनट्स में फिजिक्स करना चाहता हूं या 1 घंटे 15 मिनट में फिजिक्स करना चाहता हूं, आपके जो भी कंफर्टेबल टाइमिंग है आप उसको डिसाइड कर सकते हो, तो आपको 1 घंटे 15 मिनट में कम से कम 35 फिजिक्स के क्वेश्चंस करने की स्पीड जनरेट करनी होगी। केमिस्ट्री को बोलते हो भैया मैं 35 या 40 मिनट में करना चाहता हूं, तो 40 मिनट में आपको 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको एकदम बहुत स्पीड के साथ करने की ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि वो 25 सवाल अगर आप घर पे करोगे आपको 3 घंटे समय दे दिया जाए, मैं कहता हूं आप 25 में 25 कर ले जाओगे, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठे हुए जब टाइम का प्रेशर चल रहा है, जब स्क्रीन पर टिक 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 घड़ी घूम रही है और आप सवाल को देख रहे हो, पैनिक हो रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, क्यों? कि घर पे आपने सिर्फ समझना सीखा, स्पीड के साथ समझना तो सीखा ही नहीं। तो ये 3 स्टेप्स आपने एनालाइज करो और आपका सबसे ज्यादा किस स्टेप में टाइम लगता है उसको देखो और उसको फिर कम करने के लिए जो मैंने सॉल्यूशन बताया उस पर अप्लाई करो, आपका समय एक लिमिट में आ जाएगा। और नहीं तो रैंडम चलते जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, और थंबनेल देखकर आ गए हो कि 200 सवाल करने कोई लिमिट नहीं है, आपका हो सकता है स्पीड 100 सवाल में ही अचीव हो जाए, 200 सवालों में अचीव हो जाए, लिमिट नहीं लगाना। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे को स्पीड की ट्रेनिंग लेने में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगते हैं, तो आप अब किसी की लिमिट नहीं लगाना, आप अपना एक टाइम लिमिट लगाना कि मुझे 1 घंटे में 35 क्वेश्चंस की रेंज में जाना है, तो मैं जब तक उस तक पहुंच नहीं जाता प्रैक्टिस करता जाऊंगा, टेस्ट देता जाऊंगा, जहां से हो जाए वहां से देता जाऊंगा, और मैं ये देखूंगा कि कौन से स्टेप में मेरा सबसे ज्यादा टाइम जा रहा है। ये एकमात्र तरीका है आपके स्पीड को बढ़ाने का। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अप्लाई करना। ये वीडियो तुम्हारे उन 1000 वीडियोज में से नहीं होने चाहिए जो तुमने आज तक की तैयारी में देख ली है।